एवरीवन, आई एम सुची एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सुचीज किचन। आज की रेसिपी है गोभी के, फूल गोभी के स्टफ पराठे। बहुत ही सिंपल है बनाना, आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम फूल गोभी ली है और उसके पीसेस बड़े बड़े कट कर लिए हैं और इसको गर्म पानी में रख दिया है 15 से 20 मिनट के लिए। अब हम एक कद्दूकस से लेंगे और गोभी को हमें अच्छे से ग्रेट करना है, जितना महीन हम उसको ग्रेट कर सकते हैं। आपके पास फूड प्रोसेसर है तो आप फ्रेंड्स उसमें भी गोभी को ग्रेट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है बट गोभी के पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। ऐसे ही मैं सारी गोभी को ग्रेट कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने अच्छे से पूरी गोभी को ग्रेट कर लिया है। अब आइए हम एक पैन लेते हैं, उसमें थोड़ा सा हम तेल डालेंगे 1 टीस्पून, और इस तेल को गर्म होने देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे जीरा 1/2 टीस्पून, इसके साथ साथ अब हम इसमें डालेंगे हींग, अच्छे से सौते कर लेंगे। इसमें फिर मैं डालूंगी जिंजर और हरी मिर्च का पेस्ट, छोटा छोटा मैंने इसमें हरी मिर्च को चॉप कर लिया था। इसकी क्वांटिटी आप फ्रेंड्स अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हमने जो गोभी ग्रेट की थी हम इसको डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छे से सौते करेंगे। हमें इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, गोभी का क्रंचीनेस नहीं जाना चाहिए। पर इसको सौते करने से क्या होगा फ्रेंड्स, कि इसके अंदर जो भी पानी है वो अच्छे से चला जाएगा और हमारे गोभी के पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे और उसमें हम अच्छे से स्टफिंग कर पाएंगे। ये देखिए, इसको कंटिन्यूसली आप स्टर करके पका लीजिए। अब इसमें हम मसाले डाल लेते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को और सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे, जिससे मसाला अच्छे से पूरा अच्छे से सौते कर लेंगे मसाले को। गोभी की स्टफिंग रेडी हो गई है फ्रेंड्स, गैस ऑफ कर देते हैं और इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम ठंडा होने देंगे। स्विच ऑफ करने के बाद फ्रेंड्स मैं ऊपर से इसमें चॉप्ड ओनियन डाल रही हूँ, ये बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही अच्छा, अलग से कच्ची प्याज डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फ्रेंड्स मैं इसमें नमक डालना यहाँ पर भूल गई थी, आप प्लीज़ नमक ऐड कर लीजिए और फ्रेश कोरिएंडर डाल के इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर तब तक हम अपना स्टफिंग परफेक्ट रेडी हो गई है। ये ठंडा होगी तब तक हम अपना आटा लगा के रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है 2 कप, इसमें डाल दिया नमक 1/2 टीस्पून और इसके साथ साथ मैं डाल रही हूँ इसमें घी 2 टीस्पून, अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी के साथ हमें एक सॉफ्ट डो बनाकर रेडी करना है। बहुत ज़्यादा हार्ड फ्रेंड्स आटा नहीं लगाना है, सॉफ्ट हो ही हम रेडी करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। हमारी गोभी की स्टफिंग भी ठंडी हो गई है, यहाँ हमारा आटा भी रेडी हो गया है। आइए पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें से एक पेड़ा ले लेंगे, लोई बना लेंगे। सूखे आटे में डस्ट करके हम इसे कॉर्नर से बेलेंगे, हमें थोड़ा सा मोटा रखना है सेंटर का पोर्शन। और अब इसमें हम अच्छे से स्टफिंग भरेंगे, 3 चम्मच तक स्टफिंग आप आराम से भरिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे लगते हैं पराठे। अच्छे से ऐसे सील कर देना है पराठे को और फिर से हम इसे सूखे आटे में डस्ट करके हल्के हाथ से, हमें बहुत ज़्यादा प्रेस करके पराठे नहीं बनाने हैं, हल्के हाथ से पराठे बेल कर रेडी कर लेने हैं। अब कॉर्नर से बेलिए फ्रेंड्स। देखिए हमारा पराठा बिल्कुल रेडी हो गया, उधर तवा भी गर्म हो गया है। हम अपना पराठे गर्म तवे पे डाल देंगे और इसको दोनों तरफ अच्छे से घी लगा के हमें सेक लेना है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं पराठे में फ्रेंड्स, जो भी आपको पसंद हो। देखिए पराठा हमारा कितना अच्छे से सिक गया है,
स्टफिंग भी हमने बहुत अच्छे से फिल की थी। गोभी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, आप रायते के साथ, प्लेन दही के साथ और अचार के साथ इंजॉय कर सकते हैं। धनिया पुदीने की चटनी के साथ भी पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। ये पराठा हमारा सिक के रेडी हो गया, इसको निकाल लेते हैं और ऐसे ही हम अपने सारे पराठे बना के रेडी कर लेते हैं। आधी किलो गोभी के साथ फ्रेंड्स आप इजीली 6 to 7 पराठे बन के हमारे रेडी हो जाते हैं। ये पराठा भी सिक गया है। ये पराठा भी निकाल लेते हैं और आइए हम पराठे सर्व करते हैं। मैं आपको इनको बीच में से कट करके दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से हमारी स्टफिंग अच्छे से पूरी तरह से पूरे पराठे में है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। गोभी के पराठे रेडी हैं फ्रेंड्स, आप इंजॉय कीजिए, अपने घर पे बनाइए, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट न्यू रेसिपी नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू सून।